नमस्कार, मैं हूँ दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में अमरवाड़ा विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आज हुई प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी ने पदाधिकारी ने अमरवाड़ा विधानसभा से देवरावन भालावी के नाम पर मोहर लगाई है। आपको बता दें कि देवरान भलावी इसके पहले भी दो बार विधानसभा और एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। ये वोट काटने की राजनीति आज से नहीं चल रही है। बट्टी जी जब जीते थे उस समय भी 3-4 प्रत्याशी खड़ा हुआ। चंद्रशेखर आजाद जब चुनाव लड़ा वहां पर तो उनको भी बहुत सारे चमार समुदाय के लोगों को खड़ा किया। हमारे कमलेश डोडियार खड़ा हुआ, हमारा आदिवासी खड़ा हुआ। छिंदवाड़ा में 5 जून से 16 जून तक चलाए गए जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन कार्यक्रम शहर के छोटा तालाब में आयोजित किया गया। उज्जैन में आयोजित राज्य स्तरीय समापन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देखा और सुना गया। साथ ही कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों को संबोधित भी किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आह्वान पर विश्व पर्यावरण दिवस से प्रारंभ हुई जल गंगा संवर्धन अभियान और आज गंगा दशहरा के अवसर पर इस सांकेतिक समापन का कार्यक्रम हुआ है। आज आवश्यकता है कि हमें जल का संवर्धन करना है, हमारे जो जल के स्रोत है उन्हें संवारना है और वहां पर वृक्षारोपण करके किस तरीके से हम लोग जल बढ़ा सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक यह सामने आया था कि 50 वर्षों में नर्मदा जी का जल सूख जाएगा। तो सोचिए, जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है, ऐसी मां नर्मदा का अगर जल सूखेगा तो क्या स्थिति होगी। हमें आज ही जागना पड़ेगा, हमें अपने जल स्रोतों को स्वच्छ रख करके उसमें जल की मात्रा कैसे बढ़ा सके, बारिश का जल रोक करके साथ ही साथ वृक्षारोपण करके हम अपने पर। सरकार भले ही गरीब परिवारों के लोगों को सरकारी राशन की दुकान के माध्यम से सस्ता और साफ सुथरा अनाज उपलब्ध कराने के दावे कर रही है, लेकिन छाबुआ के थांदला विधानसभा की भीमपुरी सहकारी राशन दुकान में पर डिपो होल्डर द्वारा बांटा जा रहा अनाज की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसको पशु भी नहीं खाएंगे। वहीं दुकानदार दीपिका डामर ने कहा कि ऊपर से ही हमको यह ऐसा अनाज पहुंचाया जाता है, अब हम क्या करें। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर गरीबों में बांटे जा रहे सड़े अनाज का जिम्मेदार कौन है। एक जुलाई 2024 में पूरे देश में नए कानून लागू होने जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की कई धाराएं और पुलिस के काम करने का तरीका बदल जाएगा, जिसको लेकर आज सरगुजा में नवपदस्थ एसपी योगेश पटेल ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को नए कानून के बारे में जानकारी दी है। जो नए प्रावधान जो लाए गए हैं उसमें मुख्य रूप से पीड़ित व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें न्याय दिलाने के लिए अपराध लाया गया है और मुख्य रूप से पीड़ित व्यक्ति जब पुलिस के समक्ष अपने अपराध दर्ज कराते हैं तो न्याय पुलिस का भी यह कर्तव्य बन गया है कि 90 दिनों के भीतर संपूर्ण कार्यवाही का विवरण संपूर्ण अपराधियों का विवरण पीड़ितों को देना है। इसी प्रकार मुख्य रूप से जो प्रावधान किए गए हैं नए कानून में वो है, वो अब FIR का प्रावधान किया गया है कि किसी कोई भी व्यक्ति अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस के द्वारा उन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 3 दिनों के भीतर उन पीड़ित व्यक्तियों का हस्ताक्षर प्राप्त कर उसमें FIR दर्ज करना है और अग्रिम विवेचना की जाएगी। 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। ये तीनों कानून हैं भारतीय न्याय संहिता जो IPC को रिप्लेस करेगा, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो CRPC को रिप्लेस करेगा और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। ये नए कानून का जो मूल भाव है वह है दंड से न्याय की ओर हमको समाज को ले जाना है। तो उसी प्रकार से नए कानूनों में कुछ नए प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कुछ नए जो क्राइम आज के ज़माने में जो नए क्राइम हो रहे हैं उनको इंक्लूड किया गया है और साथ ही साथ जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया गया है, जिससे कि पुलिस के द्वारा जो विवेचना की जाती है उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़े और अपराधियों को समय रहते दंड दिया जा सके और समाज को न्याय दिलाया जा सके। खबर अंबिकापुर से है, जहां पुलिस लाइन में
ताइक्वांडो का प्रशिक्षण ले रहे बच्चे अचानक सांसद चिंतामणि के निवास पहुंचे, जहां बच्चों ने सांसद चिंतामणि महाराज से मुलाकात कर उनके ट्रेनर की ड्यूटी से मुक्त कराने की मांग की। बच्चों का कहना है कि उनके ट्रेनर की ड्यूटी जशपुर लगा दी गई है, जबकि कुछ दिनों में ताइक्वांडो का कंपटीशन होने वाला है। ट्रेनर के ना रहने से प्रशिक्षण अधूरा हो जा रहा है। वहीं चिंतामणि महाराज ने सरगुजा आईजी से बात कर बच्चों की समस्या को दूर करने का आश्वासन भी दिया है। हम लोग सब लोग टाइकोंडो क्लब पुलिस लाइन से अंबिकापुर से हैं। हम लोग यहाँ पे हम लोग इसलिए आए हैं बिकॉज क्योंकि सर का ड्यूटी बार बार लग जा रहा है बाहर, और हम लोग को प्रैक्टिस नहीं होने पा रही है, और अभी रिसेंट में मैच भी है हम लोग का, इसलिए इसी से मैं आए हैं कि सर बाहर जो सर की ड्यूटी लग रही है उसे बंद करा दिया जाए, अंबिकापुर में ड्यूटी वगैरह लगा दी। सर ने बात किया है, बोला कि काम हो गया है, बस वो आराम मैम से बात करके। पुलिस लाइन ताइक्वांडो क्लास में जाता हूँ, बट बीच बीच में हम लोग का क्लास गैप हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि वहाँ का पुलिस लाइन का जो मैडम है वो हमारे सर को अलग अलग जगह पे ड्यूटी लगा देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का क्लास कंटिन्यू नहीं चल पाता है। और अभी फ़िलहाल में ही रिसेंटली मैच है, हम लोग यहाँ चिंतामणि महाराज जी से मिलने आए, उनसे हम लोग का बात हुआ और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आईजी से बात हो गया है, अब से हम लोग को ऐसा परेशानी नहीं होगा। जैसे कभी भी बीच बीच में क्लास बंद हो जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का क्लास नहीं हो पा रहा था। पुलिस लाइन में एक ताइक्वांडो क्लास चलता है, ये 2017 से अपने ताइक्वांडो के जो संघ हैं और पुलिस दोनों मिल करके इसको चला रहा है। अभी ये जो बच्चे आए थे, इन लोगों का कहना है कि जो हमको ट्रेनिंग देते हैं कोई आरक्षक हैं, राधे श्याम मानिकपुरी ये आरक्षक हैं, इनका क्रमांक है 901, ये पुलिस लाइन पोस्टिंग है और यही ट्रेनिंग देते हैं। तो उनका कहना था अभी इनको ड्यूटी कहीं भेज दिया जाता है, जिसके कारण बच्चों का ट्रेनिंग बीच बीच में छूट जा रहा है। अभी आने वाले जुलाई में इनका कहीं मैच होना है रायगढ़ या कहीं, जैसा इन लोग बच्चे लोग बता रहे हैं। तो अगर इन लोग का ट्रेनिंग बढ़िया नहीं हुए रहेगा तो फिर दिक्कत होगा वहाँ मैच में। तो वही इन लोग कहने आए थे कि हम लोग का जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उनको ड्यूटी इधर उधर ना लगाएं, जिससे कि हम लोग को बढ़िया से ट्रेनिंग मिल सके। और चूँकि बच्चों के भविष्य का भी बात है ये, तो इसलिए मैं अभी आई जी साहब से बात किया हूँ और आई जी साहब बोले हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं इस पर संज्ञान लेकर के बात करता हूँ, ऐसा उनके तरफ से आश्वासन दिया गया है। तो बच्चों के मन में यही चिंता थी कि अगर हमारा ट्रेनिंग सही नहीं होगा तो फिर हम ट्रेन नहीं हो पाएंगे। इसमें बात हो गई है और बच्चे भी संतुष्ट होकर गए हैं, आगे कोई दिक्कत होगा तो फिर बात करेंगे। जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोलाकस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य, शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल वृंदावन टावर ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार देवरी, जिला रायसेन। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव,
केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेरा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 1923815530। सालों से लोगों के स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मानसून की एंट्री से पहले ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। आज सुबह ही हुई बारिश से लोगों को गर्मी से काफी ज्यादा राहत मिली। इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में भी प्री मानसून की एक्टिविटी को देखते हुए मौसम विभाग ने आज जबलपुर, सागर, देवास, हरदा, बैतूल, पांगुड़ा, छिदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर में आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मानसून करीब 15 दिन में मध्य प्रदेश में एंट्री ले सकता है। ऐसे में जल्द ही प्रदेशवासियों को लू की लपटों और प्रचंड गर्मी से राहत मिल सकती है। आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटे में जो है मैं सतना में चित्रकूट करके AWS, वहां पे जो है सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 46.5 डिग्री सेल्सियस, तथा राजधानी भोपाल का तापमान जो रहा वो 39.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27.5। जैसे भोपाल सिटी में जो है 39.4 मिलीमीटर जो है रेनफॉल दर्ज की गई है। यहाँ पे अभी पिछले मीन्स कल रात को, जैसे आप देख सकते हैं कि कल रात से थोड़ी हल्की वर्षा भी दर्ज की गई है, यानी मीन्स गरज चमक के साथ बौछारें भी गिरी है, और टोटल जो मीन्स अनुपात है उसका 39.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई भोपाल सिटी में। साइबर ठगों ने स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ RHO को झांसे में लेकर 13 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर ली है। दरअसल अंबिकापुर के गांधीनगर थाना इलाके में रहने वाले स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ RHO बैजनाथ दुबे गैस एजेंसी का डीलर का काम लेना चाहते थे, जिसके लिए गूगल में सर्च कर ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसके बाद अज्ञात नंबर से कॉल कर गैस एजेंसी की डीलर मिलने की बात बताकर साइबर ठगों ने 13 लाख रुपए से अधिक का चूना लगा दिया। ठगों ने अपने आप को मुंबई हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का कर्मचारी बताया और झांसे में लेकर कई किस्त में लाखों रुपए की ठगी कर ली। वही जो गैस एजेंसी का डीलर नहीं मिलने पर और ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने गांधीनगर थाना में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद साइबर सेल पुलिस पूरे मामले की जाँच में अभी जुटी हुई है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के सोनी कॉलोनी में रहने वाले बैजनाथ दुबे ऑनलाइन जो गैस एजेंसी होता है उसको ऑनलाइन गैस एजेंसी के डीलर के रूप में प्राप्त करने के लिए उसको सर्च कर रहे थे। तभी जो है उनके मेल में कुछ गैस एजेंसी के डिटेल्स आए और उनको प्राप्त करने के लिए उनके एवज में गैस एजेंसी के जो फर्जी डीलर लोग थे, जो अज्ञात ठग लोग थे, उनको 25,000 रुपये डालने के लिए बोला, जिसमें कि 25,000 रुपये जो है उन्होंने जो संदिग्ध अकाउंट थे उनमें डाल दिया। उसके बाद में अलग अलग किस्तों में उन्होंने कुल करीबन 13,76,000 रुपये जो है गैस एजेंसी HP एक गैस एजेंसी प्राप्त करने के लिए लगातार वो डाल रहे थे विभिन्न प्रलोभन के द्वारा, ठगों के द्वारा विभिन्न प्रलोभन दिए जा रहे थे। लेकिन जब उनको गैस एजेंसी नहीं मिली प्रार्थी को, तब वो जो मुंबई में जो गैस एजेंसी का जो पता था, जो कि उनके ऑनलाइन भी शो हो रहा था, वहाँ पर वो फिजिकली रूप से गए और जा कर के देखा कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई गैस एजेंसी जो है वहाँ पर स्थित नहीं है। तब उनको यह पता लगा कि मेरे साथ में ठगी हो गई है और तब वो गांधीनगर थाना में आकर के रिपोर्ट किए हैं। अब विस्तृत रूप से इसमें जांच की जाएगी और जो भी इसमें विवेचना करके जो भी आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाएगा।
भितरवार थाने का रूटीन निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने थाना प्रभारी को क्षेत्र के बदमाशों को पकड़ने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस अधीक्षक धर्मवीर यादव ने थाने में अपराधों से जुड़ा रिकॉर्ड चेक किया और रिकॉर्ड में कई तरह की कमियां पाई जाने पर पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को जमकर फटकार भी लगाई। मंदसौर जिले के गांव सेमलिया काजी में दो किसानों के खेत पर बनी झोपड़ी में आग लग गई, जिससे झोपड़ी में रखा पशुओं के सुखला और कृषि उपकरण जलकर राख हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक झोपड़ी में रखा सुखला और कृषि उपकरण पाइप लाइन केबल इंजन फव्वारा पाइप जलकर राख हो चुके थे। सभी नुकलान ने सारी सड़िया पड़ी थी, 500 फीट सड़ी थी, कुंवारा लाइन की ये ने कुंवारा सब केबला वगैरह सब करसू सामान सभी थे इसमें। और क्या कोल कितना नुकसान हुआ क्या मानते? ये करीब करीब हुआ, करीब करीब केबल ने सड़िया सब होगा करीब करीब 30-40 लाख। किसी पे शंका कुछ पड़ो? शंका तो किसी आप किसी नाम ले देखे तो शंका करे और नहीं देखे तो किसकी शंका करे। सागर के घरौंदा आश्रम में पिछले 10 दिनों से रह रहे दिव्यांग किशोर का परिवार सागर पहुंचे, जहां आश्रम प्रबंधन ने बेटे को उसके पिता के हवाले किया। 18 महीने से गायब बेटे को देख पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। दरअसल दिव्यांग किशोर पुलिस को लापता हालात में इंदौर में मिला था, जिसके बाद प्रशासन ने उसे इंदौर के युग पुरुष धाम में रखवाया था, लेकिन वहां बच्चों की संख्या अधिक होने से यह 10 दिन पहले सागर में शिफ्ट किया गया। जी 10 दिन से हमारे आश्रम में निवास कर रहा था। कैसे मिला ये? ये बालक जो है कि पहले किसी और आश्रम में रह रहा था, फिर हमारे घरौंदा में इसको ट्रांसफर किया गया। अब अभी कुछ दिन पहले से इसको याद आ रही थी घर की, उस कारण से इसके आधार कार्ड को हम लोगों ने सर्च किया, आधार कार्ड इसको निकलवाया और आधार कार्ड डुप्लीकेट निकला। उसको पूरा हम लोगों ने उसकी तहकीकात किया और आधार कार्ड को सर्च किया तो उसमें एक मोबाइल नंबर निकला। उस सूरजपुर के प्रसिद्ध कुदरगढ़ देवी धाम के पास लगी दुकानों में आग लग गई। वहीं आग से करीब 8 दुकानें जलकर खाक हो गई, जिसमें 2 गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए हैं। देर रात हुई इस घटना में व्यवसायियों को लाखों का नुकसान हुआ है। अभी तक की खबरों में इतना ही, आगे की अपडेट्स के लिए आपको बने रहना होगा प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता डूंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahibshadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मन चाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है, आप आज ही अपना निःशुल्क पंजीकरण कराएं और मन चाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड चिन्हट लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति, बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय।
पता प्रोफेसर कॉलोनी कमला नगर आगरा। मस्तिष्क मनोरोग नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान, पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आप